और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको मीठा बहुत पसंद है, मेरी नाना। तो ये देखिए, ये मैं इस रास्ते से जा रही हूँ जहाँ से हमारी मंजिल हमें बहुत ही करीब नज़र आ रही है। चलें, बातें तो बहुत हो गई, आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, आप सब लोग मुझे बहुत याद कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलें मैं एक वीडियो डाल देती हूँ। आज जुम्मा भी है तो सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो स्वीट्स के बारे में है, फेवरेट टॉपिक। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत दिनों से मैं कहीं गई नहीं थी, मैंने कुछ खाया नहीं था, तो सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने सोचा चले तो फिर यूट्यूब फैमिली के लिए इतना तो बनता ही है। और ये देखें हम लोग जा रहे हैं, कुछ ही टाइम बाद हम पहुँच जाएँगे और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बस मैं कहती हूँ इतनी बिजी लाइफ के अंदर कभी कभी बाहर जाना चाहिए, कभी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बिजी स्केड्यूल से आपका जो मेंटली आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमें ज़रूर बाहर जाना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ वीक। हमें पता है बहुत टफ़ स्केड्यूल हो चुका है, बहुत टफ़ लाइफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को और हमसे जुड़े सभी रिश्तों को, सभी लोगों को टाइम देना चाहिए। So we have reached Crab Castle Cafe. और ये हमारे आज के शेफ थे जो हमारे लिए चीज़ें बना रहे थे। मैंने ऑर्डर किया था न्यूटेला शेक, न्यूटेला इज़ माई फेवरेट। न्यूटेला मैं मुझे कुछ भी बना के देती हूँ, मैं सब खा सकती हूँ। और ये कुछ इस तरह से सिटिंग एरिया था, और ये शेफ जो है ये ब्लेंडर के अंदर सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी थी, अभी मिक्स हो रहा है। और इसकी जो स्मेल आ रही थी ना, जो न्यूटेला की खुशबू होती है, ओह माय गॉड, मतलब उसकी खुशबू से ही बंदे को इतनी भूख लग जाती है। और बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था। आज मैं आप सबको खिला सकती, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इधर जाके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। फिर मैंने एक ब्लू मोजीतो ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप लोग ये भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ठंडा सा होता है। इसके अंदर मिंट, लेमन और दो तीन फ्लेवर जाते हैं लाइक ब्लूबेरीज एंड बेरीज, और ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब थोड़े थोड़े जाते हैं। और इससे जो ये ड्रिंक बनती है बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आप लोग कभी भी जाएँ क्रेब कैसल कैफ़े तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे। विमडो है जो कि दुबई में बहुत फेमस है, यहाँ पे सबको विमडो बहुत पसंद है, जैसे कि हमारे कंट्रीज में जामी शीरी और रू अफ़ज़ा वगैरह बहुत फेमस है, वैसे दुबई का विमडो इज़ लाइक फ्रूट फेमस जूस है। तो फिर ये देखिए, एक मैंने सोचा चले खड़े खड़े एक वेफल भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये बन रहा है वेफल, बहुत ही मज़ेदार होता है। पैनकेक्स मैंने बहुत ट्राई किए इनके, मैं फर्स्ट टाइम वेफल भी ट्राई कर रही थी, और बहुत ही मज़ेदार बना, बहुत ही मज़ा आया। और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, ट्राई करिएगा। और ये बना रहे हैं ब्राउनी क्रैप, ये भी बहुत मज़ेदार था, पर ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये किसी और के लिए बन रहा था, पर मैंने सोचा चलो इसको भी शूट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें, आप लोग का वीकेंड बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है आपका वीकेंड। आप लोग मेरी रिकमेंडेशंस पे ज़रूर जाया करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे माय यूट्यूब फैमिली। चलें, तो ये अब क्रैप बन रहा है, रेडी हो रहा है, इसके ऊपर फिर ये डालने वाले हैं ब्राउनी। ये देखिए, ये ब्राउनी रखी हुई है, बहुत ही मज़ेदार होती है इनकी ब्राउनी। इनके सारे इन्ग्रीडियंट्स आप सोच रहे होंगे कि हर चीज़ मज़ेदार है, जी हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इनकी सारी की सारी चीज़ें, सारी वैरायटीज़, हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही मज़ा आता है, आप लोग का जो दिन है वो बहुत ही सुपर डुपर हिट हो जाता है। तो ये देखिए, इन्होंने क्रैप को, सो व्यूअर्स, इन्होंने क्रैप को टर्न कर दिया है और इसके ऊपर ब्राउनी स्प्रेड कर दी है, एंड इट जस्ट लुक अमेजिंग एंड सो टेम्पटिंग। एंड हियर इट गोज़, चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप किसका फेवरेट नहीं होता, सबको बहुत पसंद है। और मैं तो जब भी जाती हूँ मैं कहती हूँ भाई डाल दो भर दो इसके अंदर ये चॉकलेट सिरप, आई जस्ट लव इट। एंड न्यूटेला का सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, तो माय मोस्ट फेवरेट इज़ पर्सनली न्यूटेला। मैंने और सब भी ट्राई किया है, मिक्स चॉकलेट भी मैंने ट्राई किया है, बट न्यूटेला में जो एक मज़ा है ना व्यूअर्स, आप समझ सकते होंगे, आप सभी ने न्यूटेला खाया ही होगा। चलें, तो फिर वापस आते हैं, हम क्या किधर हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्रेब कैसल कैफ़े के अंदर हैं और यहाँ बन रहा है ब्राउनी क्रैप, और इसके बराबर में बन रहा है वेफल। इसका लास्ट रिजल्ट आप ज़रूर देखिएगा कि ये किस तरह से बन के निकलेगा, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार होगा, और इसको देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इसका लास्ट रिज़ल्ट। और इसको आप देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और सबके मुँह में पानी आ जाएगा। और ये देखिए, वेफल बन के रेडी हो चुका है, ये शेफ ने बाहर निकाल के इसको बॉक्स में डाल दिया है, और अब देखिए हेयर गोस्ट मैजिक, ये ओ माय गॉड, इट्स हेवन गाइस। ये देखिए, ये डाल रहे हैं अभी, आप देखिएगा, छोटा सरप्राइज चेक कीजिएगा कि इन्होंने डाल दिया, एंड इट्स डन ओवर हेयर, ये मतलब इतना ही डलता है।
दिस इज द लास्ट क्योंकि मैंने आज मिक्स चॉकलेट ऑर्डर किया था, ये इतना ही डालता है। पर मैंने इनको बोला कि प्लीज़ थोड़ा सा और डाल दीजिए। और ये देखिए, शेफ़ बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मेरी बात सुनी और दोबारा से सब कुछ डाला, दोबारा से सब कुछ किया। और ये देखिए, उनकी चॉकलेट ठक चुकी है, इतना ज़्यादा डाला कि उनकी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली थी। एंड बहुत ही फनी मोमेंट लग रहा था और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि यार हम लोग अभी भी दिल से बच्चे ही हैं, हमें अभी भी चॉकलेट और चॉकलेट सॉस और न्यूटेला एवरीथिंग हमें सब बहुत ही पसंद है। और ये देखिए, अंकल ने तो भर दिया भाई, मतलब एक एक बाइट में चॉकलेट आने वाली है। आज तो चांदी ही चांदी है गाइस। और व्यूवर्स देखिए, अब हम यहाँ पे क्रेब ब्राउनी को देखते हैं किस तरह से इसका लास्ट आउटलुक कैसा बन के आता है, किस तरह से होता है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बन रही हैं, आप सबके मुँह में पानी आ ही रहा होगा। और ये देखिए, इसके ऊपर भी ये क्या करने वाले हैं, हियर गोज़ द मैजिक। ये इतनी सारी चॉकलेट, ओह माय गॉड, इतना मज़ेदार होता है व्यूवर्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी होता है। एंड इट्स मतलब ये कहने की बात तो नहीं है, बट इट्स वेरी चॉकलेटी। सो व्यूवर्स, ये था आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें थी। और मैंने सोचा मैं आपको दिखा भी दूँ कि इसका टेस्ट कैसा था, किस क्या क्या था, और इसका करीब से एक लुक भी दे दूँ। तो ये देखिए, मैं इसका एक पैक तोड़ रही हूँ और इतना चॉकलेटी था कि पूरा बॉक्स वॉज फिल्ड विद चॉकलेट, एंड इट वॉज सो टेस्टी, डिलीशियस एंड यमी। इट वॉज माई बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं इन्हीं में ज़िंदगी है, ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाना चाहिए। और बस अपनी अपने आप को और अपने से जुड़े सभी लोगों को हम इसी तरह खुश कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा मीठा हम खुद खाएं और दूसरों में भी मिठास बांटें। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किया हम सब ने। और मैं आप सबको भी कहूँगी कि आप लोग ये सब इस तरह से किया करें। और ये एक श्रीलंकन छोटे में नासी गोरिंग, ये बहुत ही मज़ेदार होता है। हमने सोचा मीठा तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा स्पाइसी भी खा लें, ये बहुत ही स्पाइसी होता है व्यूवर्स, तो सोच के खाइएगा। और बस फिर मैंने सोचा ये जो थोड़ा सा बच गया था ये मैं और खा लूँ, बहुत ही सारा था, एक बंदा नहीं खा सकता, ऑब्वियसली आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी इसके अंदर। तो गाइस बहुत ही मज़ा आया, ये मुजीतों का लास्ट इसका लुक इस तरह से था, और न्यूटेला शेक कुछ इस तरह से बन के आया था। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही मज़ा आया होगा मेरे ब्लॉग के साथ और बहुत ही इन्जॉय किया होगा। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बहुत अच्छा लगता है आप सब लोग का प्यार देख के, आप सब लोग मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार मिलता है मुझे। सो थैंक यू सो मच माय व्यूवर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके सपोर्ट की वजह से मेरी फैमिली बहुत जल्दी इतना ग्रो हो रही है। सो रियली थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, ओके टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।